बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करे ठीक हो, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और सबके लिए दुआ है। फ्रेंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी हुड पोंचू और स्कार्फ। ये विंटर सीज़न के लिए हम बेबी के लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड आप हमारी वीडियो को देखें, कितने प्यारे स्टाइल हैं। देखिए पोंचू कैप के साथ, ये जब हम मैचिंग का इसके साथ कैप भी बना लेते हैं तो हमें बहुत प्यारा लगता है। ये नेक वार्मर आप देखिएगा, ये हम अपने नेक में किस तरीके से पहनते हैं, किस तरह बनाते हैं। ये इस तरह के हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें ऊन और क्रोशे का काम आता हो तो ये आसानी के साथ बन जाते हैं। हमें बेबी के साइज़ की इंची टेप से पेमाइश ले लेनी चाहिए कि उनकी नेक कॉलर जो हाई नेक कहते हैं वो कितने साइज़ की है, उसी हिसाब से हम उसकी लेंथ लेंगे और वो ही साइज़ होगा जो हम बेबी का बनाएंगे। ये एक इसमें बड़ों का नज़र आ रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा है। ये एक बेबी लेकर खड़ी है हुड वाला। ये देखिए ये नेक के लिए है, ये सिंपल सा है, ये सिलाइयों के साथ बनाया हुआ है। ये ब्लू कलर का भी हमने सिलाइयों के साथ ही बना हुआ आपको दिखाया है। तो इसी तरह आपको ये देखिए क्रोशिए का है, ये दो काज बटन किए हुए हैं, एक सिंपल सी सीधी सी पट्टी हम बनाते हैं और उससे ये बन जाता है नेक वार्मर। और ये देखिए ये नेक वार्मर कितनी प्यारी है, और ये छोटे से साइज़ में है। इसी तरह हम जब छोटा सा पीस बनाते हैं, ये एक आपको पीस नज़र आ रहा है, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी तरह ये स्टाइलिश सी है, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्रोशिए को चलाने की कोशिश करें अगर आपको नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं। ये देखिए कितनी सिंपल सी एक पट्टी नुमा शक्ल आपको दिखाई गई है, जैसे हमारे बेबी का हम हेयर बैंड बनाते हैं, रबर बैंड भी कहते हैं, हेयर बैंड भी कहते हैं, हेयर कैच भी कहते हैं, तो उसी तरह आपको वो दिखाया। ये देखिए कितनी प्यारी सी नेक है, बहुत ही सिंपल सी है, इजी सी है, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको आसानी से आपसे बन जाएगी। इसी तरह हम फ्रेंड आपके लिए न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। ये देखिए बेबी ने पहनी हुई है, ये इस पर कितनी सूट कर रही है, बेबी खूबसूरत है। इसी तरह हमारी जैसे हमारी नेक को हवा ना लगे इससे सेफ हो जाता है, हमारा गला भी सही रहता है, हमें गर्माई भी आती है। जैसे बच्चों को हम चाहते हैं कान के पास, कानों में हवा ना लगे सर्दी में, और हमें गले पर नेक पर बिल्कुल भी हवा ना लगे, तो इसलिए ये इसी वीडियो में आपको दो रबर बैंड भी दिखाए गए हैं हेयर केज, वो भी आप देखकर सिंपल से बना सकते हैं क्रोशिए से। ये कितने प्यारे दिखाए गए हैं, पांच कलर के थे, सभी कलर प्यारे थे। ये एक और सिंपल सा था, इसमें भी देखिए ये कलरफुल हैं, आप ये नेक के भी बना सकती हैं, आप सर के भी। मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, हम साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए एक और ये नेक की डिज़ाइनिंग बनाई हुई, आप इसी तरह अपने बेबी के फ्रॉक, झबला स्टाइल, काफ्तान, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह आप खुश रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें। और फ्रेंड जो हमारे चैनल पर न्यू हैं
वो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल आगे चलते हैं। हम चाहते हैं हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर क्या करें, इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी। इसमें देखिए कितने कलरफुल दिखाए गए हैं बेबी के नेक वार्मर। ये आप शर्ट की तरह भी बना सकते हैं, बेबी के हुड बना सकते हैं आप, है ना, सिर्फ नेक के लिए बना सकते हैं। ये आपको आइडिया दिया हुआ है कि आप किस तरह बना सकते हैं, क्रोशे से आप स्कर्ट बना सकते हैं प्यारी प्यारी। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो के लिए कोई राय देना चाहती हैं, आप किस तरह के ड्रेस, किस तरह की चीज़ें देखना चाहती, वो भी हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।